खबरें फटाफट में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। बिलासपुर के नमहोल के बागखुर्द में नाली में घुसा ट्राला, तीखे मोड़ की वजह से ड्राइवर ने खोया गाड़ी से नियंत्रण, चालक को हल्की चोटें। बिलासपुर में बारिश से हुए नुकसान से प्रभावित लोगों के कार्यों को जल्द पूरा करेंगे। जिला में अब तक 120 करोड़ का नुकसान, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। बिलासपुर जिला के गांव मंगरोट में एक परिवार ने अपनी मलकियत जमीन बताकर कब्जाया, शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग 103 पत्थरवाद झाड़ियां लगाकर किया कब्जा। सिरमौर जिला के नया पंजोर में दो मिडिल और प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे एक एक अध्यापक, स्टाफ के अभाव में बच्चे छोड़ रहे स्कूल। कंडाघाट के ऐतिहासिक सिद्धपीठ हनुमान मंदिर का 8 फुट मुख्य मार्ग धंसने के बाद एसडीएम कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य ने रेलवे अधिकारियों संग किया मुआयना, मंदिर की खस्ता हालत को लेकर चर्चा करने के साथ दिए आवश्यक निर्देश। भारी बारिश से मार्गों की हालत खस्ता होने के कारण मंडियों में सेब की आपूर्ति पर गहरा प्रभाव, रोड खराब होने पर फंसी सेब की गाड़ियां, बागवान परेशान। औद्योगिक नगरी परवाणु के ओल्ड नेशनल हाईवे पर कंबल ओढ़े संदिग्ध अवस्था में पड़े व्यक्ति से मचा हड़कंप, नशा करने के बाद सड़क पर ही सो गया बिहार का मिस्त्री। प्रदेश के अग्रणी समाचार पत्र दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप 7 अगस्त को करसोग के पुराना बाजार में आयोजित करेगा हिमाचल की आवाज ऑडिशन, अपनी प्रतिभा दिखाने वालों को मिलेगा बेहतर मंच। सराज की ग्राम पंचायत कांढी के लोगों ने जंगल तैयार कर लिखा नया इतिहास, जंगल में 12,000 पौधे हर वर्ष लगाकर बनाया एक घना सुरक्षित जंगल, ग्रामीणों की अनूठी पहल देख हर कोई हैरान। चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग के कई घंटे बंद होने पर रुकी आवाजाही, मंडी से पंडोह के 6 मील के पास लैंडस्लाइड से दोनों तरफ लगा लंबा जाम, यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी। बिलासपुर के बंदलाधार में चल रहे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में नए छात्र छात्राओं के लिए इंडक्शन कार्यक्रम शुरू, कॉलेज के डायरेक्टर व प्रिंसिपल डॉक्टर हिमांशु मोंगा ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का आगाज। सुंदरनगर में मूसलाधार बारिश से हर जगह से तबाही की वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप, घरों सहित खेत खलिहानों में घुसा पानी। बजोरा कटोला मार्ग पर राहला के समीप कन्नौज में ट्रैवलर सड़क पर पलटी, हादसे में 20 यात्री घायल, एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों का तेगुबेहड़ अस्पताल में किया उपचार। प्रदेश के मैदानी इलाकों में अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस के साथ खनन और अन्य विभागों ने कसी कमर, 2018 से 23 तक अवैध खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, महज 7 महीने में 604 वाहनों के चालान। अब पेंशन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए इधर उधर नहीं भटकेंगे पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों की विधवाएं, कुल्लू में कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा, कैंटीन के साथ ही मिलेगा हर सेवा का लाभ। खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही, बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।